नमस्कार, मेरा नाम है नितेश पांडे और आप लोगों का नीतेश में से स्वागत है। दोस्त, आज हम लोग सीपीयू 2024 में जितने भी आपके अलजेब्रा के सवाल आए थे उन सभी का पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे सवाल आए थे। डिस्क्लेमर, देखो अलजेब्रा में हमने वैसे सवालों को नहीं काउंट किया जिसमें एक्स वगैरह की वैल्यू फाइंड करनी थी, डेट वॉज सिंप्लीफिकेशन टाइप। आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी अलजेब्रा का ही पार्ट आता है, अगर सिंप्लीफिकेशन वगैरह ये सब करना है। बट सिंप्लीफिकेशन के हर शिफ्ट में 3-4 सवाल थे भाई, आप प्रैक्टिस कर सकते अलजेब्रा वहां पे। बट जो रियल अलजेब्रा था मैंने सिर्फ उसको उठाया यहाँ पे, और पेपर में आप देखेंगे 18 से 19 सवाल है टोटल 9 शिफ्ट में, तो ऑन एन एवरेज 2 से 2.5 सवाल हर शिफ्ट में आया है, और आपके सीजीएल में भी एटलीस्ट 2-2.5 सवाल तो वहां भी चले आते हैं। मतलब अलजेब्रा का वेटेज सीपीयू में थोड़ा कम था लेकिन आपके सीजीएल में थोड़ा ज्यादा होगा। अब एकदम बेसिक सवाल सब आते हैं जो आप पहले से जानते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जो मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ, जितने बेसिक सवाल आते हैं ना अलजेब्रा में सिर्फ वही पूछे जाते हैं। शायद ही कभी कभी अच्छे सवाल पूछे गए, बहुत दिनों से पूछे अच्छे सवाल नहीं आए, तो पुराने ही TCS आएंगे, पुराना सवाल पूछेंगे, तो आप नया प्रैक्टिस ना करें, आप एक बार देख ले भी सीपीओ में कैसे सवाल है, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। चलिए शुरुआत किया जाए दोस्त। देखिए सबसे पहला जो सवाल है, और एक और बात, अगर आप सीजीएल 2024 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे, आप जैसे ये सवाल देखेंगे आप पॉज करेंगे, मेरे बनाने से पहले आप बना लेंगे, आप ऑप्शन टिक लगा लेंगे, अगर आपसे नहीं बना तो आप सोल्यूशन देख लेंगे और कहाँ नहीं बना उसको भी एनालिसिस अच्छे से करेंगे, ठीक, और अपने नोट्स रिवाइज करेंगे, नया क्लासेस नहीं ज्वाइन करेंगे। देखिए सवाल नंबर एक, एक बहुत ही आसान सवाल है। तो सम ऑफ द टू नंबर ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस। कहने का ये मतलब है गुरु, ये जो सम ऑफ टू नंबर है, ये जो एक्स प्लस वाई है, ये कहीं ना कहीं क्या है, 4 टाइम्स डिफरेंस ऑफ, और यहाँ पे आप बोलेंगे सर y माइनस होगा x माइनस वाई होगा, तो डिस्क्लेमर सवाल में पहले ही दे रखा है x ग्रेटर देन y है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 4/1 आ गया। मतलब कहीं ना कहीं अब हमें रेशियो में काम करना है। आप देखेंगे कंपोनेंडो डिपेंडेंटो जल्दी से लगा सकते थे, x बाई वाई बराबर क्या आ जाएगा, 4+1/4-1 मतलब कितना, 5/3। आई होप आपको कंपोनेंट और डिविडेंड आता हो, अगर यहाँ पे नहीं आता तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स बाई वाई लाइएगा तो 5/3 आएगा। अगर ये सब आता तो थोड़ा आपका टाइम बचत होगा। अब देखिए आप यहाँ से वैल्यू आपको इसका निकालना है 5xy/3x²-y², तो 5 × x, x देखो दोस्त कितना है 5 और y कितना है 3 है। अब देखिए 5 और 3 स्क्वायर है, 5² - 3² ट्रिपलेट है, 4 का² होता है, तो 3 × 4² का मतलब कितना, 16। आप काट सकते हैं तो काट दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, 25/16, डेट इज ऑप्शन नंबर एक। आसान सवाल था, टाइम 10 सेकंड आप बचा सकते थे कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा के, उस 10 सेकंड को आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते थे। आप समझते हैं सेकंड का भी मतलब, आप अपने पेपर में समझते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सवाल नंबर दो है, अगर आप देखेंगे तो मतलब मुझवानी सवाल आप बना लेंगे, भरवली बना लेंगे। इफ सम ऑफ द टू नंबर इज 12, मतलब कहने का मतलब x प्लस वाई आपका 12 है एंड देयर प्रोडक्ट इज x into y 27 है। कोई भी बच्चा बता देगा 9 और 3 = 12 होगा और 9 और 3 = 27 होगा। मतलब कहने का मतलब है x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 3, कोई भी ले सकते हैं, x 3 या y 9। देन फाइंड द सम ऑफ देयर क्यूब, मतलब कहने का मतलब है 9 का क्यूब + 3 का क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना हो गया आपका, 729 हो गया, और 3 का क्यूब कितना हो गया, 27 हो गया, मतलब आप कितना आ गया, 756 आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर तीन, ठीक है। सवाल नंबर तीन आप देखेंगे ऐसे 3-4 सवाल आए अपने पेपर में, और आइए सीजीएल का फेवरेट टॉपिक भी, जहाँ से ऐसे सवाल आते रहते डायरेक्ट आपको फार्मूला पता है। एक बार ये देखने के लिए आपको एटलीस्ट 3 फार्मूला याद होना चाहिए, और यहाँ पे आपको देख के पता चल जाएगा इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। चलिए हम तीनों फार्मूला एक बार हम लिख दे रहे हैं, x³ हम लोग यहाँ पे ABC लिखते हैं, a³ + b³ + c³ - 3abc का 3 फार्मूला होता है। एक बेसिक फार्मूला, बेसिक फार्मूला क्या होता है, a+b + c (a²+b²+c²) - ab - bc-, ये आप बेसिक फार्मूला पढ़ते थे क्लास 7-8 में। थोड़ा आप एडवांस देखेंगे तो इसी को अगर आप देखेंगे a+b+c, अगर आप लास्ट वाला मतलब ये जो अंदर वाला ब्रैकेट में जो है ना, आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो a+b+c को होल स्क्वायर के टर्म में लिखा जा सकता है। देखिए कैसे, अगर आप दोस्त a+b+c का होल स्क्वायर लिखेंगे तो कहीं ना कहीं क्या आएगा, a+b+c का होल स्क्वायर क्या आएगा, a²+b²+c² तोड़ेंगे तो +2ab + 2ab + 2bc आएगा, ठीक है। बट आपको माइनस
ए बी लाना है, तो आपको पता है यहाँ पे तीन माइनस कर देंगे, तो माइनस थ्री इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस एच। अगर आप इसको खोलेंगे तो ऊपर वाला ही आएगा। कभी कभी जो आपको कैलकुलेशन में, मतलब जो आप कैलकुलेशन के लिए, मतलब जहाँ एक्स वाई का वैल्यू सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको तीसरा वाला फॉर्मूला यूज करना होता है ए प्लस बी प्लस, अगर आप पहला को देखेंगे तो पहले से ही ये तीसरा फॉर्मूला भी आता है। आप ऐसे देखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आप देखेंगे ये फॉर्मूला हम लोग वहां लगाते हैं जहाँ एक्स की वैल्यू या ए की वैल्यू 999, बी का वैल्यू 1000, सी का वैल्यू 1001, ऐसे सवाल आए, ये इस शिफ्ट में भी आए हैं। आप देखेंगे इन तीनों फार्मूला का यूज हम लोग करेंगे, देखिए क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला जो तीसरा नंबर सवाल है किस फार्मूला से बनेगा। हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पता है और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का भी वैल्यू पता है। हमें ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता है, मतलब पहला फार्मूला नहीं जा सकते, हम सेकेंड पे जाएंगे। और थर्ड तो कैलकुलेशन के लिए है, तो आप देखो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स वाई जेड होगा। बट एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना दे रखा है दोस्त, एक्स वाई जेड का वैल्यू माइनस वन दे रखा है, माइनस वन बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना वन इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, हम सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ठीक है ना, और माइनस थ्री इंटू और ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी, मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड कितना है आपका माइनस वन। अब देखिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस थ्री बराबर एक का स्क्वायर एक, और एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक प्लस तीन कितना चार हो जाएगा, तो यहाँ पे फोर आ जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, चार में से तीन का कितना आ गया एक आ गया। ऑप्शन आसान था, बस हमने क्या किया, हम आपको फॉर्मूला रिवाइज करवा दिया और कुछ नहीं किए यहाँ पे। देखिए आगे बढ़िए, सवाल नंबर चार बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल आपको अक्सर आते रहते हैं ऐसे सवाल। अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू जीरो है तो आपको एक एक्सप्रेशन देगा, उसके वैल्यू निकालनी है। देखिए समझिए, एक ही इक्वेशन आपके पास है, एक इक्वेशन में तीन अननोन है, तो आप ग्राफ अगर बनाएंगे तो आप देखेंगे मतलब कहीं ना कहीं जब आप क्लास एट नाइन में सेवन एट में जो ग्राफ बनाते थे एक्स प्लस वाई बराबर पांच दे दिया, एक्स का अपने मन से वैल्यू लेते थे तो वाई का निकलता था फिर ग्राफ बनाते, तो वही कहानी यहाँ भी है, मतलब कोई एक वैल्यू डिपेंडेंट होगा बाकी दो वैल्यू इंडिपेंडेंट होगा ठीक है। हम ऐसा मानते हैं जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू जीरो, इसको हमें कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं। अगर हम अल्फा की वैल्यू जीरो मान लें, बीटा की वैल्यू वन मान लें और गामा की वैल्यू अगर हम माइनस वन मान लें तो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा जीरो वन और माइनस वन। सर आप ये भी तो कर सकते थे, अल्फा को भी जीरो, बीटा को भी जीरो, गामा को भी जीरो मान लो, अगर हम सबको जीरो कर देंगे तो जो हमें निकालना है उसके नीचे में भी जीरो आ जाएगा। समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। आप पढ़ेंगे क्लास इलेवंथ में लिमिट के साथ डेरिवेटिव थे ना, लिमिट साथ जहाँ पे कौन कौन अनडिफाइंड थे, वही चीज यहाँ पे अचल आएगा। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आप देखो यहाँ पे तो गामा के जगह पे वन रखो, बीटा के जगह पे वन रखो तो थ्री इंटू बीटा का स्क्वायर वन, अल्फा आपका जीरो था, गामा माइनस वन है बट स्क्वायर होकर प्लस वन ही आएगा, बीटा आपका क्या आएगा टू इंटू बीटा स्क्वायर वन हो जाएगा और अल्फा के टाइम्स जीरो, तो आगे जीरो ही चला आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे कितना के तीन एकम तीन, तीन एक चार, चार बटा दो कितना आ गया दो, डेट इज ऑप्शन नंबर डी खत्म। ऐसे आपको बनाना आता है, आगे बढ़िए। ठीक है सवाल नंबर पांच अगर आप देखेंगे प्यार से तो देखेंगे अरे छत्तीस एक्स वाई है, मतलब अभी क्यूब में लिखा हुआ, मतलब हमें क्यूब करना है, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू फोर लिखा हुआ, आप इसका क्यूब कर दीजिए। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी बराबर, यही होता है फॉर्मूला। एक्स क्यूब माइनस सत्ताईस वाई क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स इंटू थ्री वाई इंटू एक्स माइनस थ्री वाई बराबर चार का क्यूब कितना आ जाएगा चौंसठ आ जाएगा। बोलेगा सर बात तो नहीं जमा आपका, माइनस तीन तिया नाइन एक्स वाई इंटू, देखो एक्स माइनस थ्री वाई का वैल्यू दे रखा ना चार, चार यहाँ पे एक्स माइनस थ्री वाई का वैल्यू यहाँ पे चार दे रखा, यहाँ पे आप चार रख दीजिए। बहुत फेमस थे ऐसे सवाल, आप पेन भी ना छूए तो भी आपसे बन जाएगा। मतलब बात हम ये कहना चाह रहे हैं ना, जो कभी कभी आपको पेपर में किसी किसी सवाल में समय बचाना पड़ता है, इन सब सवालों में आप समय आराम से बचा सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, ठीक है सवाल नंबर छः बोल रहा, मतलब वही पुराना ढर्रा का ही सवाल है जो 16 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाई 16 एक्स का पावर 4 दे रहेगा 2x में बोल रहा है। तो 16 को पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा, हमें पता है, मतलब दो बार हमें काम करना है ठीक है, माइनस नहीं है। अगर माइनस करना होगा तो ठीक है, बीच में हम प्लस 2 की जगह माइनस 2 कर देंगे। आप समझ रहे हम प्लस 2 माइनस 2 क्या करें, ऐसा नहीं सर पागल हो गए पता नहीं क्या क्या बोल रहे।
आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपको अलजेब्रा आता है। मैं जो बोल रहा हूँ अगर आप हमसे रिलेट कर पा रहे इसका मतलब आपको बेसिक्स स्ट्रांग है, नहीं है तो एक बार आप बेसिक्स स्ट्रांग कीजिए। चैनल पे वीडियो पर आप देख सकते हैं। देखिए क्या कहने का मतलब है, 16x का पावर 4 प्लस 1 बाई 16x का पावर 4 अगर हम प्लस 2 ऐड कर देंगे दोनों साइड तो हमको नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगा। बोलो इससे क्या होगा, इससे ये कहीं ना कहीं 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 14161। आप 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई 4x स्क्वायर का खोलो, देखो 16x का पावर 4 प्लस 1 बाई 16x का पावर प्लस 2 इंटू 4x स्क्वायर इंटू 1 बाई 4x कट्टी कट्टी प्लस 2 बची, इसीलिए हम लोग प्लस 2 ऐड कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ से दोस्त अगर आप 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई 4x स्क्वायर देखेंगे ये कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा रूट अंडर 14161। आप देखेंगे तो ये 100 के बाद वाले का स्क्वायर है और 100 के बाद वाले का स्क्वायर अगर आप देखेंगे, अगर आप देखो अगर आप 109 कहेगी एंड में 1 है तो या तो 9 होगा यूनिट डिजिट तभी तो लास्ट में 1 आएगा उसका स्क्वायर, या तो 1 होगा। बट 101 का स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है, 111 का भी हो सकता है बट एक बार देख लो, और थोड़ा ज़्यादा है मतलब 140 है मतलब 120 के आसपास है, 119 डाल के देख लो। अगर आप 119 डालोगे तो 119 का स्क्वायर क्या होता है 138 प्लस, देखो मान लो अगर तुमको पता है 119 का स्क्वायर अगर हम कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं 19 100 से कितना ज़्यादा है, 19 ज़्यादा है तो 119 में 19 जोड़ दीजिए 138 और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 8 3 11 14161। ये डायरेक्ट वो आपका ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, ये मतलब ये कितना आ गया 119 आ गया। चलिए अब आपको यहाँ से प्लस की फॉर्म में रखना और प्लस 2 पे जाना, अगर माइनस 2x माइनस 1 बाई 2x होता तो हम लोग माइनस 2 सबट्रैक्ट करते हैं मतलब माइनस 2 ऐड करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है 4x का स्क्वायर प्लस 1 बाई 4x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 119 प्लस हो गया, अब तो आंसर आ गया 11, टिक लगा के भाग सकते हैं। ये कहीं ना कहीं क्या है 2x प्लस 1 बाई 2x का होल स्क्वायर बराबर क्या है यहाँ 121 है तो 2x प्लस 1 बाई 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी, मतलब यहाँ से प्लस माइनस भी 11 आएगा बट फिलहाल ऑप्शन में प्लस 11 है तो मार देंगे। आगे बढ़िए सवाल नंबर 7 देख लीजिए, इफ x प्लस 1 बाई x इक्वल टू 2 बहुत फेमस फॉर्म है, अगर x प्लस 1 बाई x की वैल्यू 2 दे रखी है मतलब x की वैल्यू 1 हो गई, मतलब मन से ये बात आप समझ सकते हैं x की वैल्यू 1 आ गई तो आपको वैल्यू पुट करनी है, पुट कर दीजिए x की पावर 4 मतलब 1 प्लस 4 बाई 1 इंटू 1 माइनस 4 बाई 1 हो गया, 4 और 1 5 इंटू माइनस 3 कितना आ गया दोस्त माइनस 15 आ गया। आगे बढ़ जाइए आसान सवाल थे, आगे बढ़िए आप खुश नहीं होंगे, देखिए एक्चुअली आप ये नहीं समझ गए बहुत आसान सवाल है, नहीं दोस्त एक्चुअली सीपीयू में 50 सवाल है तो 50 का 50 एक ही स्टैंडर्ड का तो नहीं डालेंगे, अगर 50 का 50 अगर अच्छे स्टैंडर्ड के डाल दिए तो कभी उनसे बनेगा नहीं पूरा पेपर, तो कुछ सवाल अच्छे कुछ सवाल निम्न लेवल के मतलब सवाल ही होते वो, आप ये नहीं समझ आ रहे बहुत आसान आ रहा है पढ़ने की जरूरत नहीं, गलत बात। देखो a प्लस टू बी प्लस थ्री सी इक्वल टू जीरो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग, आपको पता है अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3abc तो होता है। चलो देख देते हैं, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा 3abc तो होगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 3abc में a के जगह पे a है b के जगह पे 2b है c के जगह पे 3c है 3 3 9 2 9 18 abc। चलिए नंबर आगे बढ़ जाइए, देखिए तो सवाल नंबर 9 ये देख के लगे सिंपलीफिकेशन का सवाल है, मतलब सर आप कैसे बोल रहे हैं प्रैक्टिस से बोल रहे हैं दोस्त प्रैक्टिस से। देखिए आपको देख के लग रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz की फॉर्मूला लानी है तो हमको तीसरा नंबर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डेट विल बी इसका फॉर्मूला क्या होगा देखिएगा मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1 बाई 2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। अब इनको ऐड करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड को ऐड करेंगे तो डायरेक्ट लिखते हैं 110 चलिए पूरा लिख दे रहे 111 प्लस 112 इंटू 1 बाई 2 पूरा लिख दे रहे हैं हम 110 माइनस 111 का होल स्क्वायर अगली बार 111 माइनस 112 का होल स्क्वायर अगली बार 112 माइनस 110 का होल स्क्वायर। पेपर में आप ऐसा कभी नहीं लिखेंगे, ये प्रूफ नहीं चल रहा यहाँ पे, आप जल्दी जल्दी काम करेंगे
देखो 110 मान के चलो, 110 तीन बार है तो 330 और 2 1 3 ऐड हो रहा है, मतलब 333। अब देखिए 110 मतलब वहां पे एक का डिफरेंस है, एक का स्क्वायर एक, अगली बार भी एक का डिफरेंस है तो एक, एक एक दो आ चुका हुआ है, और वहां पे दो का डिफरेंस है, दो का स्क्वायर चार, चार और दो छः, दो के पहाड़ में तीन बार में 333 दिया 999। आगे बढ़ो, देखो भाई सवाल नंबर 10 क्या, 10 देखोगे तो लगेगा अच्छा ये तो अच्छा सवाल है। देखिए अगर 3.2 को अगर ए से रिप्लेस करोगे, 0.2 को अगर आप बी से रिप्लेस करोगे तो काम हो सकता है। देखो ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस स्क्वायर, क्या आएगा ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये क्या आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, आपका क्या बच गया ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, और ए को आपने क्या माना 3.2, बी को आपने क्या माना 0.2, अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो 3.4/3 आ जाएगा, कैलकुलेट कर दीजिए 17/15 आ गया। ठीक है नेक्स्ट देखो, तो सवाल नंबर 11 है अपना, आप देखेंगे कभी स्क्वायर का सम जीरो होता है तो स्क्वायर का सम जीरो तभी पॉसिबल है जब वो खुद जीरो हो, मतलब a माइनस 18 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर जीरो है, ये पॉसिबल तभी है क्योंकि स्क्वायर तो नॉन नेगेटिव होगा, और आप किसी चीज़ के एडिशन का जीरो तभी ला सकते हैं ना जब कोई पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव भी हो, बट स्क्वायर तो पॉजिटिव देके जाएगा, और अगर स्क्वायर पॉजिटिव देके जाएगा इसका मतलब है जीरो नहीं होगा, और जीरो नहीं होगा इसका मतलब स्क्वायर खुद जीरो होगा, क्या बोले आप, कॉन्सेप्ट है। देखिए तो मतलब कहने का है जो a माइनस 18 का होल स्क्वायर बराबर अगर आप जीरो लिखेंगे तो a बराबर यहाँ से 18 आ जाएगा, सिमिलरली b का वैल्यू 12 आ जाएगा, सिमिलरली c का वैल्यू 6 आ जाएगा, आपको जो वैल्यू लानी है दैट इज रूट अंडर a प्लस बी प्लस ए, पावर 1/2 का मतलब रूट ही होता है, अब रूट अंडर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 18 + 12 + 6, रूट अंडर 36, रूट अंडर 36 का वैल्यू क्या होगा प्लस 6, ऑप्शन में गलत है ये, माइनस 6 नहीं निकल गया है, रूट का वैल्यू कभी निगेटिव में नहीं आता, ये बात आप याद रखेंगे, रूट का वैल्यू कभी निगेटिव में नहीं है। देखिए ये प्लस 6 होगा ये सही है, अगर मैं माइनस 6 लिख दूँ तो ये गलत है, ले सर कैसे लड़ जाएंगे सर आपसे, अभी अभी आप सीख जाएंगे। देखिए दोस्त अगर मैं आपको बोलूँ एक्स स्क्वायर बराबर 36 तो पता है एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 36 होता है, आपको पता चले प्लस माइनस कहाँ से है, ये आपको ना मतलब छुपाया गया आपसे डायरेक्ट, बहुत कम टीचर होंगे जो आपको बताए होंगे, आप डायरेक्ट लिख देते, देखिए समझिए आया कहाँ से प्लस माइनस, देखिएगा एक्स स्क्वायर बराबर 36 है मतलब एक्स का दो रूट होगा क्योंकि एक्स का दो पावर है, एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर जीरो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू जीरो, यहाँ से एक्स की वैल्यू एक बार प्लस 6 और एक बार माइनस 6, इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 36, इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, रियल फॉर्म ऊपर है, x बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 6 हो गया, बट मान लो अगर हम तुमको इक्वेशन दिए जो x बराबर रूट अंडर 36 है, समझना हम तुमको एक इक्वेशन दिए x बराबर रूट अंडर 36 है, ओरिजिनल इक्वेशन ये है x बराबर रूट अंडर 36 है, तो बताओ x का कितना पावर है, एक पावर है मतलब एक रूट आएगा, पॉलीनोमियल का यही तो नियम है, और रूट कभी भी निगेटिव नहीं देके जाता, x बराबर कितना होगा, इसका आंसर गलत है। आगे बढ़ो सवाल नंबर 12 देखो, द सम ऑफ टू नंबर इज 28 मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 28 एंड सम ऑफ दियर स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी 528, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर, मतलब हमें एक्स वाई की वैल्यू निकाल कर रूट लगानी, आप देख रहे हैं हमें स्क्वायर करना होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और 28 का स्क्वायर कितना होगा 784, पक्का देख लो 28 का स्क्वायर यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, आप देख सकते हैं बहुत दिन हो गया 28 का स्क्वायर निकाले, बहुत दिन के बाद आया सामने, ये जनरली ऑफिस में काम होता है, एक बार चेक कर लेते हैं 64 के 4 हाथ में 6 8 दूना 16 16 दूना 32 32 34 के 8 हाथ में 3 2 दूना 4 3 एकदम सही है प्यारे मित्र। चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी देगी 528 प्लस 2xy बराबर 784, अब घटा लीजिए 2xy बराबर 784 माइनस 528, तो 14 में से 8 गया 100, कितना बच गया 7 में से 2 गया 5, 7 में से 5 गया 2, xy की वैल्यू कितनी आएगी 128
और हमें क्या लाना है, हमें एक्चुअली रूट अंडर एक्स वाई लाना है, मतलब रूट अंडर 128। आप इसको देखोगे तो कहीं ना कहीं ये क्या है, 8√2 ही तो है। 64 × 2 लिखेंगे, 8 को बाहर ले आएंगे। नेक्स्ट, आप समझ रहे होंगे ना, स्क्वायर करना था, डायरेक्ट इसका स्क्वायर करके वैल्यू जो दिया वो पुट कर देना था, बहुत आसान सवाल थी। आइए सवाल नंबर 13 पे आते हैं। एक्स माइनस वाई की वैल्यू दे रखी, एक्स वाई की भी वैल्यू दे रखी, आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू लानी, बहुत आसान है। देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, नहीं नहीं एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब सोचेंगे तो बैंड बच जाएगा, मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि एक्स माइनस वाई दे रखा है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई कितना है 25 है, तो 25 का क्यूब कर दो तो 15625 आता है। एक ही काम को क्यूब याद है, 12 तक का क्यूब याद, दूसरे आदम को याद भी नहीं, मतलब ही नहीं बनता। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यही तो निकालना है, 3xy, वेर इज एक्स वाई, एक्स वाई की वैल्यू कितनी 444 है, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 25 है। ठीक है, तो 15625 प्लस, देखो हम लोग 25 थी या 75, 75 में 444 से गुना कर देते हैं, तो 75 चौके 300 की जीरो, हाथ में 30, 75 चौके 330 आ गया, फिर 33, 75 चौके 300 और 33, 333 हो गया। ठीक है, तो 330 पे डबल जीरो, आप अगर ये क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया, छोड़ दीजिए ये, सॉरी 5, 2, 6, 48, 625 नहीं 48, 925 होगा ना, 639 होगा ना, देखो तो गलती की है क्या, हाँ वहां पे 333 पे डबल जीरो होगा मेरे हिसाब से, 75 चौके 300 के 0 हाथ में 30, 75 चौके 330 के 0 हाथ में 33, यहाँ पे 333 होगा, बट 333 होगा, आप ऐड करेंगे तो कितना कितना आएगा, आपको पता है 48 वाला आंसर होगा, ओह मार के निकल जाए कितना आएगा 5, बट हम लोग इन से इंच मिला रहे हैं, 639, 538, 4800। आगे बढ़ जाओ, सवाल नंबर 14, देखो सवाल नंबर 14 आसान सवाल है, कहने का ये मतलब है इफ द पोलिनोमियल दिस एंड दिस लिव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2 देन फाइंड द रिमाइंडर। जनरली पहले पेपर में क्या होता था, एक एक ही वैल्यू निकाल दे, क्लास नाइन्थ में ऐसे सवाल 3-4 दे रहे, एक्सरसाइज 2.3 2.4 में पोलिनोमियल्स वाले एक्सरसाइज में आप बना सकते हैं, वहां पे मिल जाएंगे आपको इसके बेसिक्स, वहां है इसके बेसिक्स क्लास नाइन्थ में है। देखिए अगर मैं x माइनस 2 से डिवाइड करूँ, मतलब x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दूँ, मतलब हर जगह मैं x की वैल्यू 2 डाल दूँ तो रिमाइंडर आ जाएगा, और मैं दोनों के रिमाइंडर को सेम कर दूंगा, इसलिए पहले वाले इस एफ एक्स पोलिनोमियल एफ एक्स 1 में डालते हैं और एफ एक्स 2 में डालते हैं। ठीक है, डालिए तो 2 का वैल्यू डालिए, एक्स के जगह पे 2 डालिए, 2 इंटू 2 का क्यूब 8 प्लस ए इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5 बराबर 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूना 4 प्लस ए, ऐसे ए की वैल्यू आ जाएगी 8 दूना 16 प्लस 4 ए, 6 में से 5 गया 1, 4-4 उड़ गया, यहाँ क्या आ गया ए प्लस 8, कहीं ना कहीं आ गया 3a बराबर माइनस 9, तो दोस्त ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3 आ गई, ए की वैल्यू आ गई, हमसे रिमाइंडर पूछा है तो किसी एक साइड में ए की वैल्यू डाल देंगे हमारी रिमाइंडर आ जाएगी, तो मेरे हिसाब से इधर रखना थोड़ा आसान है क्योंकि इधर थोड़ा कैलकुलेशन कम है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर डाल लेते हैं, आइए देखिए 8 प्लस 4 माइनस 4 प्लस ए, ये तो उड़ गया, एक जगह पे माइनस 3 है, 8 - 3 = 5 खत्म, आया समझ में, मतलब हमने क्या किया सवाल में दे रखा, तो आप किसी पोलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो जो x की वैल्यू आएगी ना वो उस पोलिनोमियल में डाल देंगे तो उसका रिमाइंडर आ जाएगा, और बोला दोनों रिमाइंडर इक्वल है तो वहां से एक ही वैल्यू आ जाएगी, और बोला रिमाइंडर क्या होगा तो किसी साइड ए की वैल्यू डाल दो रिमाइंडर वही तो होगा। चलो सवाल नंबर 15 देख लो, 15 में क्या है, इफ ए बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू 1 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, बहुत आसान है, आप देख सकते हैं ए बाई बी, मतलब ऐसे बहुत पहले सवाल आते थे, ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे ए बी, बोलो हाँ एलसीएम लोगे ए बी तो उधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो दोस्त देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ करोगे तो बराबर क्या आ जाएगा ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब ये देख के दिमाग चमकना चाहिए, क्या चमकना चाहिए, ये कहीं ना कहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, देखो कैसे लिखा हुआ है समझना, अगर मैं दोनों साइड
ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई दिक्कत, दोनों साइड ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो, तुम जीरो में किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो जीरो ही आएगा, और ए प्लस बी से तुम उधर मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। अरे साहेब ये तो कहीं ना कहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू है, ए क्यू प्लस बी क्यूब जीरो आ गया, बस यहीं भी इसको पुट कर दो, ए क्यू प्लस बी क्यूब जीरो है, ऊपर कुछ भी रहे नीचे कुछ भी रहो अगर ऊपर जीरो है तो जीरो ही आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। खत्म, आया समझ में? यहां से हमने क्या देखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अपना ए भी आया, तो हम देखे भैया अगर हम ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दे, अच्छा मान ले भाई अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी होता तो हम ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते तो ए क्यू माइनस बी क्यू जीरो होता, ठीक है ना, आते ऐसे सवाल आते हैं। सही है, सवाल नंबर 11 देखिए, ये मतलब ऐसे सवाल एक्चुअली रिपीटेड सवाल है, सेम डेटा, डेटा भी सेम है, बहुत पहले सीजीएल सीपीओ में आ रखे ये सवाल आपको। देखो एक्स की वैल्यू 11 डालनी है, तब ये नहीं डालेंगे 11 का पावर 5 कर देंगे, मर जाएंगे निकालते निकालते। अब देखिए करना क्या है, आप कोशिश करेंगे 11 के टर्म में सारे फैक्टर को तोड़ दें, ठीक है, क्योंकि एक्स बराबर 11 है, तो हम कोशिश करेंगे एक्स में 11 को ले आए ताकि 11 का पावर बन जाए। देखो कैसे समझना, एक्स का पावर 5 ये माइनस 12 एक्स का पावर 4 है, मैं क्या कर रहा हूँ माइनस 11 एक्स का पावर 4 लिख रहा, माइनस 11 एक्स का पावर 4 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, एक्चुअली माइनस 12 है और माइनस 11 लिख दिए मतलब माइनस 1 बचा हुआ, तो माइनस एक्स का पावर 4। अब देखो 12 एक्स क्यूब है, इसको पहले 11 में तोड़ो तो प्लस 11 एक्स क्यूब और 1 एक्स क्यूब ऐड करोगे तभी तो 12 आएगा, वेरी गुड। अब देखो माइनस 12 एक्स स्क्वायर है तो पहले माइनस 11 में तोड़ो इसको, माइनस 11 एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर तभी तो माइनस 12 होगा, यस सर। अब 12 एक्स है तो पहले 11 में तोड़ो तो प्लस 11 एक्स प्लस एक्स और माइनस 1, आया समझ में? देखो समझो आप इन दोनों को ऐड किए हो, देखो माइनस 12 आ गया, आप इन दोनों को किए हो तो देखो प्लस 12 आ गया, आप इन दोनों को देखो तो देखो माइनस 12 एक्स स्क्वायर आ गया, आप इन दोनों को देखो तो देखो क्या आ गया 12 एक्स, मतलब सब कुछ सही है, ठीक है। अगर x बराबर 20 होता तो हम 20 के टर्म में तोड़ते इसको, ठीक ना। अभी देखो अब हम पुट x बराबर 11, समझे, इसका मतलब ये समझो 11 ही x है या x ही 11 है, समझना, इसका ये मतलब है x ही 11 या 11 ही x है। अगर 11 ही x है, समझना, अगर 11 ही x है तो हर जगह 11 की जगह पे x डालोगे तो पहले दो टर्म को देखो x का पावर 5 माइनस 11 के जगह पे x डालोगे तो x into x का पावर 4 मतलब x का पावर 5, यस सर, मतलब सर ये कट गया, 11 ही x है, 11 के जगह पे x डालो तो x का पावर 4 यहाँ माइनस x का पावर 4 कट गया, 11 ही x है मतलब 11 के जगह पे x डालो तो माइनस x into x स्क्वायर मतलब माइनस x क्यूब से प्लस x क्यूब कट गया, 11 ही x है मतलब ये भी कट गया, तो बचा क्या आंसर x माइनस 11 और x ही 11 है, 11 माइनस 1 है, आया समझ में? आगे बढ़ो, कम समझ में आएगा तो दोबारा देख लेना। देखो ये हमें बताना है, डिटरमाइन द वैल्यू, देख के लगेगा कहीं ना कहीं क्यूब दे रखा है, 4a प्लस 3b अंदर में 4a का स्क्वायर है माइनस 4a इंटू 3b है प्लस 3b का स्क्वायर है, ये कहीं ना कहीं क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, और ए के जगह पे 4a से रिप्लेस किया है और बी के जगह पे 3b से रिप्लेस किया है। अब देखिए 4 3 12 नहीं कर देंगे, 64a³ 27b³, और ए के जगह पे आप 2 डालिए तो ए के जगह पे 2 डालेंगे तो 64 × 8 आ जाएगा, और बी के जगह पे 3 डालेंगे तो बी का क्यूब कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, 64 × 8 = 512 होता है, 27 से कितना होता है 729 होता है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1241 आएगा, सही ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, लगता है मेरे से पहले आप बना लिए होंगे ये, बहुत बढ़िया। एक और बात, जो बंदे मतलब जो उनके लिए जो ऐसे टिक के बैठे हैं, भाई आप गणित पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं सर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं मजा आ रहा है सर, मतलब सर मैं देख रहा हूँ आप कैसे कर रहे हैं कैलकुलेशन, कुछ नहीं होना, फिर आप ऐसे लटकेंगे आपका सारा पर अर्थिंग का शुरू चल जाएगा, नीचे लेते रहेंगे आप कलम चलाइए, हो सकता है ओसियन ऑफ इलेक्ट्रॉन से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। देखो इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 35, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको देख के लग रहा हो हमें फॉर्मूला नंबर 2 यूज करना है, 2 यूज करना है। देखो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख रहा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी। ये फॉर्मूला इतना चर्चित है तो अलजेब्रा में सबसे ज़्यादा चर्चित फॉर्मूला हो चुका है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी देगी 15, अंदर में 15 का स्क्वायर मतलब 225 माइनस 3 इंटू 35 मतलब 115।
अंदर में 225 माइनस कितना आ जाएगा 35, तो 105 होता है ना, सॉरी 15 इंटू यहाँ कितना 120, अब 15 इंटू 12 कितना होता है 18, 180 पे डबल जीरो ऑप्शन। आगे बढ़ो, इन सब में दम नहीं था। देखो दोस्त, ये वाला जो सवाल है ये भी अच्छा सवाल है, आप बोल सकते हैं थोड़ा बहुत प्यारा सवाल है। अब देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, जो व्हाट मस्ट बी एडेड टू ऑब्टेन ए पॉलीनोमियल दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स माइनस फाइव। समझिएगा, अगर हम एक्स माइनस फाइव से इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर आएगा। वेरी गुड, जो रिमाइंडर आएगा अगर उसका मैं निगेटिव या पॉजिटिव ऐड कर दूंगा तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, और अगर रिमाइंडर जीरो हो गया इसका मतलब क्या होगा, डिविजिबल हो गया। हम पहले चेक करते हैं रिमाइंडर कितना आ रहा है, अगर मान लो रिमाइंडर 13 आ रहा है तो हम ऐड करेंगे माइनस 13, तभी रिमाइंडर जीरो होगा। अगर मान लो रिमाइंडर 5 आ रहा है तो हम रिमाइंडर क्या ऐड कर देंगे, माइनस 5। अगर रिमाइंडर 4 आ रहा है तो हम क्या ऐड कर देंगे, माइनस 4। अगर रिमाइंडर माइनस 4 आ रहा है तो हम क्या ऐड कर देंगे, 4। मतलब रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, तो उसके लिए मेरे को चेक करना होगा रिमाइंडर आ कितना रहा है, ठीक है ना। तो देखो एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो है, तो दोस्तों आप डाल दो एक्स इक्वल टू फाइव, और जैसे आप एक्स इक्वल टू फाइव डालोगे काम हो जाएगा, इसमें डाल दो तो रिमाइंडर आ जाएगा। तो 5 का क्यूब 125 माइनस 3 इंटू 25 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 75, 125 माइनस 75 प्लस 20 माइनस 75, 145 माइनस 150, ये क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। और फैक्ट एग्जैक्टली डिविजिबल के लिए रिमाइंडर जीरो चाहिए, रिमाइंडर जीरो चाहिए। अब आप बताइए रिमाइंडर माइनस 5 आया है और रिमाइंडर हमें जीरो लाना है, क्या ऐड करना होगा, 5 छोड़ दो दिया है, देयरफॉर प्लस 5 शुड बी एडेड नंबर डी। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। देखो दो सवाल नंबर तुम्हारा 20 क्या है, 20 देख के बहुत मजा आएगा, मतलब पावर देख रहे कितना कठिन कठिन है, ऐसा कुछ नहीं, जब भी स्क्वायर हो तो कहीं ना कहीं स्क्वायर का सम जीरो है या फैक्टराइजेशन, तो उसको फैक्टराइज कर लेंगे। देखिए आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को एक साथ ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को ले आओ, तो हाँ सर मेरे को कुछ चमका, क्या चमका आपको, आपको चमका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब देखो जब स्क्वायर का सम जीरो होगा इसका मतलब इंडिविजुअल जीरो होगा, वो मतलब x प्लस 1 की वैल्यू जीरो है, समझो, देखो समझो, जब स्क्वायर का सम जीरो मतलब इंडिविजुअल जीरो, मतलब इंडिविजुअल स्क्वायर ही जीरो, मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर जीरो के बराबर है, मतलब x प्लस, अभी आप देखे थे गुजर पहले ऊपर बनाए थे ऐसा सवाल, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे 4y स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, तो y की वैल्यू जीरो ही आएगी ना, सिंपल बात। अब जो वैल्यू डाला उसमें पुट कर दीजिए, यहाँ बोल रहा प्यारे मित्र, यहाँ बोल रहा x का पावर 39 प्लस y का पावर 36, y तो लेना देना ही नहीं है, y तो जीरो है, हटा दो y को, बचा क्या माइनस 1, तो माइनस 1 का पावर 39, तो देखो ऑड का पावर अगर ऑड ही है, मतलब निगेटिव का पावर अगर ऑड है तो कहीं ना कहीं निगेटिव ही आएगा आंसर, दैट इज ऑप्शन माइनस 1, खत्म। देखो भाई सवाल नंबर 21 क्या है, भाई पुराने ढर्रे वाले सवाल है, मैं डायरेक्ट पुट करता है इसका, बताओ क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी कितना है 13, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यस सर ये डायरेक्ट आ गया, एग्जाम में ऐसे तो करेंगे, तो 13 इंटू 13 का स्क्वायर 169 माइनस 22 दिया 66, 13 इंटू 103, 13 39 को 9 हाथ में 3, 13 10 130 और 3 133, 1339, दैट इज ऑप्शन नंबर। आगे होगा समझिए फॉर्मूला क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, खत्म। ऐसे सवाल तीन आ गए ना, आइए यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8, मतलब आपको कहीं ना कहीं एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू चाहिए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, आपको पता है जब भी हमें एक्स नीचे में लाना तो एक्स से डिवाइड करना होगा, अब डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई एक्स बोथ साइड, तब ये हो जाएगा एक्स माइनस 6 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स माइनस एक्स एक्स माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, आपको स्क्वायर लाना अभी प्लस का, स्क्वायर कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 36, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर यहाँ कितना गया 36 और 2 38, यहाँ देख लीजिए
पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू 38 - 8, 8 में से 8 माइनस मत कर दीजिए, 3 नहीं बचेगा आंसर, 30 बचेगा। सर क्यों कंफ्यूज करते हैं, बहुत आसान था भाई, मतलब ये बच्चे लेवल की सवाल थी, बच्चे लेवल इन द सेंस आपके प्रिपरेशन डेज में बहुत अर्ली लेवल का सवाल था ये। आइए सवाल नंबर 23 देखिए, थोड़ा समझने वाला सवाल है 23, एक बार समझ जाएंगे तो बहुत आसानी है। देखो ए बराबर कहीं ना कहीं रूट टू माइनस वन का क्यूब रूट है, यहाँ से ए क्यूब कर दो, ए क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, रूट टू माइनस वन आ जाएगा। अब इसके बाद आपका हिम्मत नहीं काम कर रहा हो, करना क्या है, उसके लिए आप आर एच एस को थोड़ा सिंप्लीफाई करो जो दिया गया। देखो एक ए माइनस वन बाई ए का होल क्यूब है, उसको खोल दो तो क्या आएगा, ए क्यूब माइनस वन बाई ए क्यूब माइनस थ्री इंटू ए इंटू वन बाई ए इंटू ए माइनस वन बाई ए, और इधर क्या प्लस थ्री इंटू ए माइनस वन बाई ए, इससे तो ये कट गया। आपको क्या निकालना है, ए क्यूब माइनस ए क्यूब, बहुत बढ़िया। ए क्यूब की वैल्यू पता है आपको, वन बाई ए क्यूब बराबर क्या होगा, वन बाई रूट टू माइनस वन। अगर आप इसको रेशनलाइज करोगे, वन बाई रूट टू प्लस वन, वन बाई रूट टू माइनस वन है, तो रूट टू प्लस वन रूट टू प्लस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो वन बाई ए क्यूब क्या होगा, रूट टू प्लस वन होगा, हो गया। अब ए क्यूब की वैल्यू क्या है, रूट टू माइनस वन है, और वन बाई ए क्यूब की वैल्यू क्या है, रूट टू प्लस वन है, माइनस कर दीजिए, रूट टू से रूट टू उड़ जाएगा, माइनस वन कितना बन गया, माइनस टू हो गया, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ सावधानी हटी, दुर्घटना बहुत तगड़ा घटेगी, कैसे, हो सकता है ऑप्शन में प्लस टू टिक लगा दे, हो सकता है आप आंसर में टू रूट टू टिक लगा दे, बट यहाँ पे टू रूट टू नहीं है, होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़िए, सवाल नंबर 24, आप देखेंगे ऐसा सवाल हम लोग अल्फा बीटा गामा वाले बनाए थे। अगर इक्वेशन एक है, वेरिएबल अनेक है, मतलब तीन वेरिएबल है, इक्वेशन एक है, तो बाकी दो वैल्यू को अपने मन से कुछ मान सकते हैं। मान लीजिए सी बराबर जीरो है, ए का वैल्यू वन मान लीजिए, बी का वैल्यू माइनस वन मान लीजिए, अभी तो कंडीशन सेटिस्फाई होगा। देखो टू इंटू वन टू, टू इंटू माइनस वन माइनस टू, टू माइनस टू जीरो हो गया, और जीरो प्लस जीरो डबल जीरो, नहीं सर सिंगल जीरो, क्या सर पाँच को जीरो, कोई बात नहीं जीरो होगा भाई। अब देखो तुम बोले सर सबका जीरो नहीं मान सकता, नहीं मान सकता क्योंकि नीचे में जीरो आ जाएगा, और अगर नीचे में जीरो आ गया कल्याण हो जाएगा आपका, मतलब समथिंग अपॉन जीरो इनडिटरमिनेंट ना वो। आइए यहाँ पे पुट कीजिए, तो फोर इंटू वन प्लस फोर इंटू वन, वो तो जीरो ही हो जाएगा, जीरो को छोड़ी दो, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, माइनस एट इंटू वन इंटू माइनस वन, ठीक है, कितना आ गया, चार चार आठ अपॉन आठ, आंसर कितना वन, ऑप्शन नंबर, आया समझ में। अब देखिएगा माइनस वन मत लगा दीजिएगा, कैलकुलेशन चेक कीजिएगा, ठीक है आगे बढ़िए। अरे ये तो आखिरी सवाल था, मतलब मेरे को मजा आना चाहिए था भाई, आखिरी सवाल, मतलब आज मैंने दो लेक्चर इकट्ठे बनाया, इससे पहले मैं डेढ़ घंटे का शूट किया, डेट वाज प्रॉफिट एंड लॉस, अभी मैंने शूट किया अलजेब्रा का, मतलब आप देखिए अलजेब्रा के 24 सवाल थे, बहुत आसान सवाल थे, उन्होंने एवरेज 2 से 2.5 सवाल हर शिफ्ट में आए थे, और आप आराम से बना सकते थे, कोई कठिन सवाल नहीं थे। अब बस थोड़े अच्छे लेवल का प्रैक्टिस कर लेंगे, मतलब प्रैक्टिस अच्छे लेवल का मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए, सवाल अच्छा नहीं होना चाहिए, सवाल का मतलब बहुत तगड़ा तगड़ा सवाल बकवास है, आते नहीं पेपर में तो क्यों बनाना फालतू का, मैं क्यों टेस्ट सीरीज में 5 करोड़ नंबर लाऊं, लाना तो 360-390 में ही है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर बनाइए, वहाँ पे स्टेट बोर्ड देखिए कैसे क्या सवाल है, जो सवाल कंटिन्यू आ रहे उनका प्रैक्टिस कीजिए, ये नहीं जो किसी और का बैच खरीदे मस्ती में प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, कोई आया तो उसको भी चिपका दिए सवाल तुम भी बनाओ, विद्वता नहीं पेश करना भाई, हमें पैसा कमाना एट द एंड, वो भी एग्जाम निकाल के। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल के सॉल्यूशन दे दूं, तो उस बैच में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे अच्छे सवाल आए हैं, अभी अच्छे सवाल है, अलजेब्रा से तो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, हर शिफ्ट में लगभग तीन चार सवाल पूछा है, तो मान के चलेंगे आपको 40 सवाल का सोल्यूशन हम करवा देंगे, अगले दिन ही करवा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।